स्टूडेंट्स, आई एम हनीश बंसल, आई एम योर बिजनेस स्टडी लेक्चरर। स्टूडेंट्स, अज का टॉपिक है लीडरशिप। इस तो पहला जो भी टॉपिक ने तुम प्ले लिस्ट जाके देख सकते हो, प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडी की क्लास है। तो जो टॉपिक है लीडरशिप, कहते लीडरशिप का मतलब की होंगे, कहें इनफ्लुएंस करना पीपल के बिहेवियर उन्होंने की बोलते हैं लीडरशिप। जो आप पीपल के बिहेवियर इनफ्लुएंस करते हैं तो किसी स्पैसीफिक गोल में अचीव करने वास्ते, तो वह किस द्वारा प्रोसैस द्वारा होंगी है, लीडरशिप के द्वारा होंगी है। इनफ्लुएंस का मतलब होंगे किसी के अंदर कोई जगाना, वे तमन्ना जगानी कि हाँ भी यह काम करना है ता जो अपने गोल अचीव होंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोसैस ऑफ इनफ्लुएंस। इनफ्लुएंस एक प्रोसैस है। ठीक है, यह कॉमन गोल नूं अचीव करन च हैल्प करता जो इनफ्लुएंस आती है। ये खुद के मन, तीसरा पॉइंट क्या, खुद आप खुद नूं इनफ्लुएंस नहीं कर सकते, आप किसी थर्ड एक दो या दो तो वध बंदा नूं इनफ्लुएंस कर दिया तो वह लीडरशिप होंगी है। ये आपस में मिल के चलता है, तो अपनी इच्छा आती है अंदरों ही कि हाँ मैं यह काम करना है। किसी को थोपिया नहीं आता कि हाँ, फोर्सफुली नहीं होंगे कि हाँ तुम इस चीज़ में करूँगी, एक ऑर्डर नहीं है कि हाँ भी एक इंपलॉय इंपलॉयर रिलेशनशिप नहीं है या हाँ भी तुम काम नहीं किया तो थोड़ी सैलरी कट हो जूगी, ये चीज़ नहीं है, ये आपके अंदरों ही आता मैंने काम करना। ठीक है, चौथा पॉइंट क्लीयर होगा सारे। अगे देखो स्टूडेंट्स, फीचर्स की ने गए, फीचर्स क्या हैं। लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ऑफ एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। कहते एक इंडिविजुअल दी एबिलिटी जगाता है जो अदर नू इन्फ्लुएंस करता है। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। लीडरशिप की है पीपल दे बिहेवियर नू चेंज करन चे हेल्प करता। लीडरशिप की है इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। ये हमेशा लीडर दे फॉलोअर होंदा, इंपलॉयर इंपलॉई या सबऑर्डिनेट सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं होंदा, हमेशा लीडर ते फॉलोअर्स होंदे। लीडरशिप इज अचीव कॉमन गोल, कॉमन गोल नू अचीव करन चे हेल्प करता। लीडरशिप एक कंटिन्यू प्रोसैस है, सिंपल है। लीडरशिप कंटिन्यू प्रोसैस है, एक गोल नूं अचीव करन च हैल्प करता है। यह कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है लीडर ते फॉलोअर दे विच, ए पीपल दे बिहेवियर नूं चेंज करता है, यह इंडिविजुअल दी एबिलिटी नूं जगांदा है, उन्हूं इन्फ्लुएंस करता है। कहिंदे डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की ने गे लीडरशिप दे। देखो स्टूडेंट्स, लीडरशिप रैफर टू द लीडर बिहेवियरल पैटर्न। ए लीडरशिप स्टाइल इज रिजल्ट ऑफ द लीडर्स फिलोसफी पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंस एंड वैल्यू सिस्टम। लीडरशिप स्टाइल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फॉलोअर्स एंड एटमोसफेयर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गनाइजेशन। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीडरशिप स्टाइल ने। एक तो एटोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, फ्री रेन लीडरशिप, इन आप दूजा नाम बोल दें। ठीक है, इस तरीके ये पेपर के आ दोनों नाम याद रखने ने, इन्हों का मतलब सेम ही होंगे, इन्हों का अदर नेम यही है। ए लीडर मे यूज़ आल स्टाइल ऑफ लीडरशिप एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, बट वन स्टाइल टेंड टू द प्रीडोमिनेट हिज और पर्सनैलिटी। क्या लीडरशिप है, तिने पस तिने स्टाइल दे विच कोई भी स्टाइल अपना सकता है, वो डिपेंड फिर किस टाइप की सिचुएशन चल रही है, किस टाइप का टाइम चल रहा है, उस हिसाब न। ये तिने स्टाइल तुम याद करना जो पेपर के आ जाए कि डिफरेंट स्टाइल ने, तीन स्टाइल ले गए, एटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, फ्री रेन लीडरशिप। अगे देखो, एटोक्रेटिक लीडरशिप की होंगे, ये वर्ड याद रखना है। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप होंगे, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप होंगे, ध्यान में सुन लो, बॉस सेंट्रल लीडरशिप होंगे एटोक्रेटिक। एंड एटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट, ही सेंट्रलाइज पावर इन हिमसेल्फ एंड टेक्स आल द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट। अंडरलाइन कर लो, कहते ये सारा का सारा कंट्रोल कि होंगे लीडर का होंगे, ओह सबऑर्डिनेट नूं कोई भी पावर नहीं दिंदा, खुद रखता सारी पावर, यह किसी को कोई सलाह नहीं लेंदा, यह आप ही सारे डिसीजन लेंदा। ही डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, द लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपैक्ट द सबऑर्डिनेट फॉलो दैम अनकोशनिंगली। ही गिव्स रिवार्ड एंड पुट पेनल्टी टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट।
कहते आप दी मन मर्जी करता है तो अपने ही डिसीजन आप लेंदा है, सारी पावर आप रखता है, किसी तो कोई कंसल्ट नहीं करता, यह किसी तो कोई कुछ नहीं मतलब एक्सपैक्ट नहीं करता कोई उदी काम करे, ठीक है, सारा कुछ ये आप करता है। उस तो बाद आ जाता स्टूडेंट्स जिमें आ देखो लीडर सबोर्डीनेट 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 सबोर्डी मतलब सारे सारों यह बस आपके फैसले सुनाता है। एडवांटेजेस क्विक डिसीजन होंगे तो आप खुद ही जिस कोई भी सिचुएशन हो डिसीजन लेना खुद ही लेंदा। प्रोवाइड स्ट्रोंग मोटिवेशन एंड सैटिस्फैक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट द टर्म्स, ये स्ट्रोंग मोटिवेशन होंगी है, ठीक है, अनसैटिस्फैक्शन होंगी है लीडर न कि वह जो भी काम कर रहा सही कर रहा। लैस कॉम्पिटेंट सबोर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लैवल, ठीक है, ठीक है, सबोर्डिनेट की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, ग्रेट स्पीड रिक्वायर्ड होंगे। डिसएडवांटेज की होंगी है लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल मोरल अमंग सबोर्डिनेट, फ्रस्ट्रेशन होंगी है, इनिशिएटिव लेवल डाउन जाता है, पोटेंशियल क्रिएटिविटी की होंगी है यूटिलाइज नॉट यूटिलाइज होंगी है, नो डिवेलप सबोर्डिनेट की कोई डिवेलपमेंट नहीं होंगी, ठीक है। सुटेबिलिटी की है सबोर्डिनेट आर अनएजुकेटड अनस्किल्ड लैक ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस तो इतने सूट करता है, ये जिथे सबोर्डिनेट ना कोई बोलन का अधिकार है ना उन्हें कुछ करन का अधिकार है ना उन्हें सलाह देने का अधिकार है, मतलब अनएजुकेटड हो अनस्किल्ड हो कोई नॉलेज ना हो फिर तो इतने चल जाता है। कंपनी फॉलो फीयर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिन टेक्नीक, जब कंपनी फीयर तो पनिशमेंट वाली टेक्नीक अपनावे तो उत्थे ये रूल चल जाता है स्टाइल। लीडर प्रैफर टू बी डोमिनेट इन डिसीजन मेकिंग, तो इतने आ रूल चल जाता, कहने का मतलब एक जिमें आप कहने ना अडोल्फ हिटलर ही डिसकरेज हिज कैबिनेट टू मीट इंडिपेंडेंटली ही एक्सपैक्टड एबसोल्यूट ओबीडेंस फ्रॉम हिज कैबिनेट मैंबर, उनका सिंपल है वह यह लीडरशिप स्टाइल के सिंपल यही गल चलती है, जो बोलते बस उ पत्थर की लकीर है, कोई होर बंदा वो इंटरफेयर ना करे ना ही वह बंदा कुछ बोले, सिर्फ उ जो डिसीजन दे सारे उन्होंने बस फॉलो कर। सारे क्लीयर हो गया स्टूडेंट्स, थोड़ा अज मैं कराता तो सैकेंड थर्ड पॉइंट अपन नैक्सट क्लास करा।